हे, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम जाने वाले हैं अपने ये रनिंग बोर्ड को रिपेयर कराने के लिए। भी किसी नीचे से लगा हुआ है, एक डिवाइडर में थोड़ा सा लग गया था, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा लग गया था, और दूसरी साइड भी छोटा सा डेंट है। आई विल शो यू, वेट। इन दोनों डेंट्स को रिपेयर कराएंगे और पेंट कराएंगे, तो लेट्स सी कैसा रहता है प्रोसेस और क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे किया जाता है। बिकॉज मैंने आज से पहले कभी भी कार का कोई भी पार्ट पेंट नहीं कराया है, बट ये जगह ऐसी है, थोड़ी बहुत लग जाती है कहीं ना कहीं, तो ये डेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा ना बुरे से लगते हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट दिस फिक्स्ड। सो लेट्स गो गाइस। मैं आ चुका हूँ SS मोटर्स पे, ये RS समाज रोड के पास उत्तम नगर में, और गाड़ी अपनी लग चुकी है यहाँ पे और भैया काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
अभी गाड़ी के लिए कलर बना रहे हैं, कलर मैचिंग करके। शोल्डर में हार्डनर मिक्स करके और अब गाड़ी के ऊपर पट्टी करनी शुरू कर दिया। जो डेंट है उन्हें पेंट करने से पहले ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मैंडेटरी होता है।
इसकी घिसाई का काम शुरू हो गया है। अब भैया इसकी घिसाई करेंगे और फिर देखेंगे जहाँ पे भी लेवलिंग की ज़रूरत होगी। अब तीनों डेंट्स की ये पट्टी की घिसाई हो रही है। तो गाइस भैया ने अब सेकंड कोट इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया है जहाँ जहाँ पे जरूरत है घिसाई के बाद, और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा फिनिश किया जाएगा किसके, और फिर स्टार्ट होगा हमारा पेंट। गाइस ये भाई हैं, हम इनका वेट कर रहे थे, दो तीन घंटे हमने वेट किया। भाई नाम बता दो पहले अपना। मेरा नाम धीरज कुमार है। भाई का नाम धीरज है और भाई ने हमें खूब वेट कराया अच्छे से। मतलब मैं घर चला गया, नहा लिया और फिर स्कूटी लेके भी वापस आ गया, उसके बाद भी आधा घंटे वेट किया भाई का। अब फाइनली भाई आ गए, हम इसके अंदर पुट्टी भर रहे हैं बढ़िया तरीके से। बिल्कुल डेंटिंग का काम पहले हो गया था, पेंटिंग का सारा काम भाई करेंगे। आप ही करोगे ना भैया सारा काम? जी, पेंटिंग का सारा काम भाई करेंगे। तो यहाँ पे काम चालू हो चुका है, पुट्टी भर रहे हैं, अभी इसकी फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद ही पेंट शुरू होगा ना। इसको आधा पौन घंटा सूखने देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे इसकी। ठीक है, आधा पौना घंटा ये सूखेगी, उसके बाद इसको और फिनिश करेंगे। जैसे भी भैया करेंगे हम बताते जाएंगे आपको। ये शुरू हो गया है अस्तर होना। भाई ने सारी घिसाई विसाई करके एकदम ओके कर दी है गाड़ी। अब इसका अस्तर हो रहा है, अस्तर लगने के बाद फिर फाइनल पेंट होगा और फिर फाइनली हम घर जा पाएंगे, गाड़ी पूरी तैयार हो जाएगी। मेरे को पेंट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और मैं मास्क लाना भूल गया हूँ, तो मैं ये वाली जो शॉर्ट्स हैं ये थोड़ी दूर से ही लेने वाला हूँ। रनिंग बोर्ड से भाई ने उधर भी अस्तर कर दिया है, उधर भी कर रहे हैं, और अब ये सूखेगा बस थोड़ी सी देर में, उसके बाद इसके ऊपर पेंट के बोर्ड होने शुरू हो जाएंगे। ये भाई ने अपना पेंट तैयार कर दिया है फाइनली। ये कंप्रेसर भी अटैच कर लिया है। फाइनली पेंट का काम हो गया है, ये इसको गन को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद इसके लिए क्लियर जो स्प्रे होगा हेलो वो डालेंगे और उसके बाद फाइनली क्लियर कोट कर देंगे। भाई ने शुरू कर दिया क्लियर कोट, दो बार क्लियर कोट होगा इसके ऊपर।
ये स्पिनर से मैच हो जाएगा। तो ये भाई चला रहे हैं जॉइंट स्पिनर, ऐसा कुछ इन्होंने बताया। उससे क्या होगा, जो कलर होगा जहाँ पे भी हमने नया पेंट किया और पुराना पेंट है वो आपस में मैच हो जाएगा, डिफरेंस पता नहीं लग पाएगा। भाई और भाई ने काम बहुत बढ़िया किया है, भले ही हमें इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा करवाया है, बीच में लूडो भी खेली है, लेकिन काम बहुत बढ़िया किया है। हंस रहे हो इधर देख के, हंसो उधर देख के, क्या हंस रहे हो? हो गया डन, डन हो गया। तो गाइस फाइनली पेंट जॉब डन हो गई है, पेंट सूख भी गया है और सारा काम बढ़िया हो गया है। अब चलते हैं घर। गाइस हम आ चुके हैं घर। गाड़ी का कलर मैच हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम एकदम परफेक्ट हो गया है, मुझे तो कोई कमी नहीं दिख रही है अब तक। बाकी यूज़ करेंगे तो पता लगेगा क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं गाड़ी को पेंट कराने के। बट आई वुड से जैसे भैया ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मतलब सारी चीज़ें बहुत तसल्ली से करी। मैं सुबह 8:30 बजे पहुंच गया था उनके पास और उन्होंने मुझे 5:30 बजे फ्री किया, जिसके अंदर थोड़ा सा वेट भी किया हमने किसी का, मतलब वो जो पेंट वाले भी थे उनका। लेकिन काम अल्टीमेटली अच्छा हो जाता है तो इंसान को ना, मतलब टाइम चुपता नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या आई। मेरे को ये दोनों रॉकर पैनल्स जो हैं, इसे रॉकर पैनल भी बोलते हैं शायद, रनिंग बोर्ड भी बोलते हैं, तो इन दोनों को पेंट करने की कॉस्टिंग आई है जस्ट 2000 रुपीज़। दोनों साइड के रिपेयर हो गए और अब एटलीस्ट मैं जो बार बार जो इस चीज़ को देख कर जो परेशान होता था ना, मतलब गाड़ी पे ऐसा कोई मेजर डेंट नहीं, छोटे मोटे डेंट्स बर्दाश्त हो जाते हैं, बट इतना बड़ा डेंट बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि रोड पे रहती तो थोड़ी बहुत तो लगेगी गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना मेजरली अगर डैमेज हो जाएगी बॉडी, तो अगर किसी को भी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक हो या फिर मतलब जो गाड़ियों से प्यार करते हैं उन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो फाइनली ये काम हमारा हो गया, काम अच्छा रहा। बाकी उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।